नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। नारायणगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत खमरिया में चल रही मनमानी। ग्राम पंचायत पीपरिया ग्राम पंचायत में 6 महीने के 6 महीने एक बार पंचायत खोली जाती है, जिसमें ग्रामीण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे से छोटे काम उनके नहीं हो पाते, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि जिसमें मीडिया वाले जाकर देखे तो ग्रामीणों के संपर्क में जानकारी लगी, यहां पंचायत खुलती ही नहीं और ना आज तक कभी आम सभा की बैठक हुई। पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा मनमानी की जाती है और अपनी मनमानी यहाँ लोग चला रहे हैं, और जो भी शासन के द्वारा राशि आ रही है उसमें फर्जी बिल लगाकर पास करके पैसा निकाला जा रहा है। पत्रकार पहुँचे जांच के लिए खमरिया तो पाया गया ग्राम पंचायत खमरिया में ताला लगा हुआ। खबर पहुँचने के बाद चपरासी आकर ताला खोला, जिसमें से अंदर जाकर चेक किया गया तो ग्राम पंचायत के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डीजल केरोसिन पाई गई। पूछने पर बताया कि हमको नहीं मालूम यह सरपंच रखा है या सचिव रखा है, यह जानकारी हमको नहीं मालूम। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अनिल रजक की रिपोर्ट। काका जी, आपका नाम? लक्ष्मण। क्या दिक्कत हो रही है आपको? वो लैट्रिन बाथरूम का साथ। कौन सी पंचायत से हैं आप? पंचायत का नाम बताएं। खमरिया पंचायत है सर जी। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाया, गड्ढा खुदाए हुआ है, माल गिरा है, वो उठा के ले लिए वहाँ से, कोई चीज भी अभी नहीं। कौन ले गया? अभी जो आपके मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई जा रही है, जो योजना चलाई जा रही है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, जो योजना चल रही है कोई चीज का आवास की योजना चल रही है, लैट्रिन बाथरूम की योजना चल रही है, तो वो आपके यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। जिसके पास बना है उसके पास बना है, हमारे पास भी तो कुछ भी अभी नहीं बन पाया। कुछ भी नहीं हो रहा, ना आवास आप मिल रहा है, ना लैट्रिन बाथरूम, कुछ नहीं है बना है अभी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।